का जवाब देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। मैदान में बहुत जल्दी आऊंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा अपनी पसंद के मुकाम पे, अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा, तुम्हारी पसंद के मुकाम पे नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं, वक्त मैं तय करूंगा, मुकाम मैं तय करूंगा। क्या आप डरे हुए? क्या घबराए हुए? यही बात है, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं मोहब्बत से देगा। अजा की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए, तारीख के औराख को उठा कर देखो। मैं बार बार कहता हूं कि मुत्तहिद रहो, इत्तेहाद पैदा करो, क्यों कि तादाद में ताकत नहीं होती, इत्तेहाद में ताकत होती। 313 थे, इत्तेहाद था, 40 थे तो इत्तेहाद था, 30 थे तो इत्तेहाद था। बैतुल मुक्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया तो इत्तेहाद था, थाना जब हमने इस बात को याद रखना, बैतुल मुक़द्दस जब यहूद नसारा के हाथ से चला गया तो उस वक्त क्या आलम था मालूम आपको? अंग्रेजों के पादरियां फादर जो व्हाइट ड्रेस पहनते उस वक्त काला लिबास पहने, मालूम आपको? लंदन के बादशाह ने कहा कि मैं लंदन बेचने तैयार हूं, अगर कोई खरीदने तैयार है तो खरीद ले, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़कर बैतुल मुक़द्दस को आजाद करना चाहूं। चलो अगर यहां से हर उठने वाला शख्स अगर ये तय कर ले कि मैं रोजाना अपने खर्चे में से 1 रुपया निकालूंगा तो कितने पैसे बन गए भाई? दिन को 20,000, महीने को 6 लाख, साल को 72 लाख। गौर करो, इस शहर में खुद तुम अपने बलबूते पर 1 नहीं 10 ऐसे इमारतें बना सकते।